क्या ही गेम गया है। पहले तो भाई मुझे नहीं पता था यार इतने अच्छे तरीके से हम जो है कमबैक मार पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो हमने किया है ना वो भाई किसी को भी नहीं लगेगा कि भाई किसी इंसान को नहीं लगेगा कि भाई हाँ यहाँ से हम कमबैक मार सकते हैं। बट भाई थैंक्स टू आवर बॉलर्स और अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्वियसली थैंक्स टू अल्लाह सुबहानहू तआला जिसने हमें बचा लिया भाई, अल्लाह ने बचा लिया भाई। और भाई गुड बॉलिंग अटैक भाई, मतलब खुर्रम भाई और जो है अपने हमजा भाई, ये दोनों भाई पता नहीं कहाँ से आके जो है विकेट्स लेने शुरू हो गए भाई। ऐसी विकेट्स लिए, विकेट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही, मतलब आती जा रही हैं आती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई 26 रन तक उनके 6 विकेट गिर चुके थे बांग्लादेश के, जो कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, इंसानों में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसकी गारंटी मैं भी देता हूँ। बट खैर यार जो हुआ सो हुआ भाई, काफ़ी अच्छा दिन गया, स्टार्ट तो अच्छा था हमारे लिए। बट हम शुरू से बात करते हैं कि भाई आज पूरे दिन में शुरुआत से हुआ क्या है। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पहली विकेट हमारे पास ऐसे आती है कि भाई खुर्रम भाई जो है अपने बॉल करवाई, और जैसे तुम देख सकते हो भाई बैट पे लग के जो है सीधा सीधा जाके ना अबरार के हाथ में गई है। और ये इंसिडेंट उस वक्त के बाद हुआ है जब पिछले दिन ही साउथ शकील, बाबर आजम और आई डोंट नो मेरे ख्याल से कोई और प्लेयर था जिसने, 3 बंदे थे जिन्होंने कैच छोड़ा, उस इंसिडेंट के बाद अबरार अहमद ने ऐसा कैच पकड़ा और भाई अफरीदी बन गए थोड़ी देर के लिए, अबरार अफरीदी। तो भाई और पहली विकेट अपन को ऐसी मिली, और उसके बाद भी हम बात करते हैं। और वो विकेट जैसे अभी मिली नहीं थी कि भाई एक और विकेट मिल गई थोड़ी देर बाद ही, कितना प्यारा बोल्ड मारा भाई, मतलब उसकी भी विकेट लेके हमने हमने 2 विकेट्स ले ली भाई। उसके बाद भाई ये चीज़ अभी हज़म हुई नहीं थी क्योंकि हम तो पाकिस्तानी, हमें इतनी खुशी हज़म नहीं होती। थोड़ी देर बाद एक और विकेट आ गई भाई, फिर से बोल्ड हुआ था और भाई 3 विकेट इतनी जल्दी आ गई, और उसके बाद एक और विकेट आई है भाई ये देख सकते हो तुम। बट दिस टाइम हमजा भाई ने ली थी विकेट और भाई बहुत अच्छी तरीके से बॉलिंग करवाई उसने भी। उसके बाद भी हम बात करते हैं, ये भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि भाई लगातार लगातार चलते चलते एक और विकेट आ गई हमारे पास भाई साहब। लग रहा है पाकिस्तान की टीम खेल रही नहीं ना, अभी जो आगे हुआ ना उसके लिए तुम तैयार रहना ठीक है भाई। ये वाली विकेट आई थी हमजा भाई के लिए कि एक और विकेट उसको मिल गई थोड़ी देर बाद, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि भाई सबको लग रहा था कि भाई हाँ ये तो वन साइड गेम हो रही है, हो क्या रहा है वैसे एक्चुअली, क्योंकि बांग्लादेश ने अच्छी तरीके से खेली थी फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में और अचानक सेकंड टेस्ट सीरीज में क्या हो गया। तो भाई मतलब उसके बाद भाई तकरीबन हमारे पास इतनी देर में ही 4-5 विकेट आ चुकी थी और बांग्लादेश वाज इन प्रेशर ऑब्वियसली, क्योंकि 5 विकेट इतनी जल्दी गिरना और आपको टॉप ऑर्डर इस तरीके से बिखर जाए और जाहिर सी बात है आप पे प्रेशर आता है। तो उसके बाद भी हम बात करते हैं भाई, यहाँ तक तो ऐसा ही लग रहा था कि भाई कल का दिन बांग्लादेश के लिए था और आज वाला दिन जो है पाकिस्तान के लिए है, 6 आउट हो चुके थे। फिर भाई वही हुआ जिसका हम सब पाकिस्तानी को एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है यार, मतलब पाकिस्तान टीम इतनी जल्दी कैसे कामयाब हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और भाई वही हुआ, ऐसी पार्टनरशिप फेंक के मारी है ना बना के मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने, भाई समझ नहीं आया ये हुआ क्या। अभी तो विकेट्स मिल रही थी और अब ये विकेट मिल ही नहीं रही, तुम्हें समझ नहीं ना उन्हें बोला क्या। यही एग्जैक्टली यही हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑन द पिच भाई। थोड़ी देर पार्टनरशिप में अभी लगे ही थे कि भाई दोनों बंदे मेहदी हसन मिराज और लिटन दास दोनों ही अपनी अपनी 50 बना के चले, 50 बना ली उन्होंने और वे अभी तक यहाँ पे कहानी नहीं रुकी भाई। बांग्लादेश ने और भी पार्टनरशिप बनाई है अपनी अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और भाई ऐसी पार्टनरशिप बनाई कि चलती गई है चलती गई है चलती, और क्या शॉट्स मारे हैं भाई मेहदी हसन मिराज भाई, क्या क्रिकेटिंग शॉट्स मारे हैं। और लिटन दास ने पिंग ऑनर्स देख के मज़ा आ गया मुझे, इवन दो क्या आई एम पाकिस्तानी सपोर्टर बट पाकिस्तान क्रिकेट टीम सपोर्टर बट देख के मज़ा आ गया भाई, क्योंकि इतने प्रेशराइज मोमेंट में इस तरीके से कमबैक करना और इतनी बड़ी पार्टनरशिप बनाना, दो ऐसे बैट्समैन जो कि ऐसी क्लासिक क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, तो भाई ऑब्वियसली बात है देखने में मज़ा आएगा हर किसी को। और भाई उसके बाद मैं बात करता हूँ, मतलब 10 साल बाद हमें विकेट्स मिल जाती हैं और भाई पहले अपने मेहदी हसन मिराज आउट होते हैं और पता नहीं क्यों आउट होते हैं भाई, मारना कहीं और चाह रहा था, बैट पे लग के उसको कैच ही दे दिया खुर्रम को, और ऐसे खुर्रम ने भाई अपनी 5वीं विकेट भी ले ली और फाइफर आ गया खुर्रम भाई के पास, और भाई ऐसे खुर्रम ने अपनी 5वीं विकेट भी ले ली, ऐसे खुर्रम भाई ने अपनी 5वीं विकेट भी ले ली और खुर्रम भाई का फाइफर आ गया भाई। तुम्हें क्या लगता है भाई, अगर मेहदी हसन मिराज मार सकता है फाइफर तो हमारा खुर्रम भाई नहीं मार सकता फाइफर। द वे ही प्लेड भाई, 78 रन बना के गया बंदा। और उसके बाद भी हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिकेटिंग इनिंग थी उसकी भी, और उसके बाद भी हम बात करते हैं। इतनी देर में भाई एक और विकेट मिल गई भाई अपने खुर्रम भाई को, 6ठी विकेट ले ली उन्होंने भाई, मतलब सिक्सर चला गया ना ये तो भाई, फाइफर की जगह सिक्सर चला गया हमारे खुर्रम भाई का।
और मतलब 6 विकेट्स ले ली खुर्रम भाई ने और सजदा किया, जो कि अच्छी बात है, एज ए मुस्लिम करना भी चाहिए कामयाबी के मोमेंट्स में और भाई एज वेल एज दुख के मोमेंट्स में भी। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये हुआ था कि लिटन दास भाई सेंचुरी बना के चला गया, मतलब क्या क्या नहीं हुआ आज वाले गेम में यार। लिटन दास ने सेंचुरी बनाई, वेल डिजर्व फॉर हेम भाई, अच्छा खेला बंदे ने भी और मतलब अच्छे तरीके से टीम को संभाला, अच्छे रन बनाया फॉर हिस टीम अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और उसके बाद भाई आते आते भाई ये आखिरी विकेट बची थी और इसमें पता नहीं बैट्समैन क्या ही सोच रहा था, एट द बॉल ऑफ सलमान अली आगा भाई, सलमान अली आगा ने बॉल कराई और पता नहीं उसने टच करने की जरूरत ही नहीं की ना, ऐसे ही छोड़ दी, बोल बॉल करवा रहा है भाई, मुझे नहीं करा वापसी, ये जो हम गली में नहीं करते कि ट्राई बॉल है भाई, वापसी करो वापसी करो, वो वाला सीन करा था, पता नहीं क्या उसने बॉल ही छोड़ दी और डायरेक्ट जाके LBW हो गई है और ख़ुद भी नहीं पता उसको कि करा क्या मैंने। तो भाई ऐसे अपन को 10वीं विकेट भी मिल गई और 262 पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, और भाई मतलब बचत हो गई हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि भाई जो है ना बांग्लादेश फर्स्ट इनिंग नहीं जीती। खैर भाई अब कल देखते हैं क्या होता है, वैसे गेम अच्छा गया आज वाला और भाई देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। भाई आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि भाई तुम लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, और भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझ में डर है।